तो जब मेरा डायलॉग मैं बोलती थी सब हंसने लग जाते थे। आई फाउंड इट सो एम्बैरेसिंग, मुझे लगा मेरा मजाक बना रहे हैं। जब टेलीविजन आया तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, फर्स्ट विमेन आई थिंक अमंगस्ट द वेरी फ्यू वुमेन वर्किंग एट दैट टाइम फॉर वन ऑफ आवर प्रोग्राम अफसाने। वी गॉट 3 लाख ऑफ लेटर्स, 3 लाख हैंड रिटन लेटर्स पहुंचे आपके पास, 3 लाख हैंड रिटन लेटर। एक्चुअली में आपके पास पीएचडी है, आपने कई सालों तक पटियाला यूनिवर्सिटी में सिखाया पढ़ाया, आपने कुछ 10 किताबें लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफी आपने लिखी अभी तक? जी मैं घबरा जाती हूँ जब भी सोचती हूँ, कनु रोज मेरी क्लास लेने की कोशिश। कनु वेल, सच अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू हियर विद मामा। हाय नवनिंद्र जी, गुड मॉर्निंग इवनिंग। ओके, शैल आई लीव यू टू टू इट? या द लाइट इज फाइन, नो स्ट्रेस, लाइट इज गुड फॉर यू, नो? ओके, मे गो डाउन इन अ बिट। नवनिंद्र जी, यू कैन हियर मी? या बाय कनु, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए आज टू टॉक टू मी टुडे। अरे इट्स माय प्लेजर। यू नो, जब आपकी पीआर टीम की तरफ से मैसेज आया कि नवनिंद्र जी इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल हैं, क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे, आई जंप्ड एट इट। बिकॉज खुफिया देखने के बाद तबू और पूरी स्टार कास्ट एक तरफ और आपका कैरेक्टर बिल्कुल ही एक तरफ, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी यू प्ले दैट काइंड ऑफ लाइक ग्रे एंड ब्लैक काइंड ऑफ कैरेक्टर। क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है खुफिया के बाद, आफ्टर यू प्लेड अली फजल्स मदर इन दैट फिल्म? बहुत सरप्राइजिंग और ओवरवेलमिंग लग रहा है सब कुछ। आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू गो इट लाइक दिस फॉर मी आउट ऑफ द वर्ल्ड। द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर गिविंग मी योर फीडबैक एंड आई सॉ योर प्रोग्राम आल्सो एंड योर वर्ड्स वर लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। यू नो, यू आर वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट इन द कंट्री जिन्होंने हर फॉर्मेट पे काम किया है, एंड राइट फ्रॉम थिएटर के अर्ली डेज पंजाब में, जब आप उन ग्रुप में थी जिन्होंने थिएटर कल्चर को एस्टैब्लिश किया पंजाब में, आप और आपके फादर साहब और फिर आपके हस्बैंड और आपके कॉलीग्स, फिर आपने दूरदर्शन को एस्टैब्लिश किया उन दिनों में जब दूरदर्शन पर नया नया प्रोग्रामिंग शुरू हुआ था, यू आर वन ऑफ द फ्यू विमेन इन द कंट्री जो लिख रही थी, डायरेक्ट कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी साइमल्टेनियसली। दूरदर्शन से आप कनू के साथ मुंबई आए, कनू ने जब अपना फिल्मी करियर शुरू किया, आपने फिर केबल प्रोग्रामिंग पर एक्टिंग की है, इतने सारे शोज यू नो टीवी पर, आपकी फिल्में थिएटर में लगी हैं और अब आप नेटफ्लिक्स पर भी आ गई हैं। यू नो, शुरुआत से लेकर नवनिंद्र जी यहां तक पहुंच गए हैं हम। इस जर्नी में अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स आपके ओपिनियन में कहां पर खड़ा होता है इन सारी तरह तरह की इनोवेशंस में जो हर बार नया कुछ हो रहा है? जर्नी हैज बीन लाइक सच दैट आई हैव ग्रोन अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ दिस मीडियम, द विजुअल मीडियम, परफॉर्मिंग मीडियम एंड विजुअल मीडियम। आई स्टार्टेड थिएटर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन माय फादर्स प्लेस। Then my mom was also acting. Then in college school, I was doing it. So the reformistic movement, the realistic movement of theater in Punjab was going through a phase of growth at that time. Then I was totally into it when I joined the theater department, theater and television department. Initially, it was theater department, then it was television department. It was included by me in 1987, subject of television production. So I, along with the changes happening in this field from on-stage live performance to technical medium, including it, I didn't do radio only. And I was rejected because of my voice. एक ही मीडियम रह गया सिर्फ। एक ही रह गया। तो रेडियो में नहीं कर पाई, पर जब टेलीविजन आया तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, फर्स्ट विमेन आई थिंक अमंगस्ट द वेरी फ्यू वुमेन वर्किंग एट दैट टाइम। एंड सरप्राइजिंगली आई माय फर्स्ट प्रोग्राम वाज अ एंकरिंग। रेडियो के लिए मैं रिजेक्ट हो गई और एंकरिंग मैंने
डोगरी की एक मतलब ऑड थिंग्स वर हैपनिंग इन माय लाइफ अलोंगसाइड. आई नेवर एस्पायर्ड टू बी अ वेरी गुड लाइक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बिकॉज ऑफ माय वॉइस एंड माय हाइट एंड ऑल दीस थिंग्स अदर थिंग्स नॉट गोइंग इन माय फेवर. पर कोई जुनून था जो मुझे छोड़ता नहीं था. प्रोडक्शन में जाना, राइटिंग में जाना, कभी मैं राइटिंग कर रही हूँ, कभी डायरेक्शन कर रही हूँ. थिएटर डिपार्टमेंट का हिस्सा बन के मैं प्रोडक्शन स्टाइल्स में पीएचडी कर रही हूँ. उसके बाद से ये सारे प्रोसेस में एकेडमिकली एंड प्रैक्टिस वाइज एक ग्रोथ के ऐसे पीरियड से मैं अनचाहे गुजरी हूँ, नॉट कॉन्शियसली. मुझे नहीं जी पता था मैं क्या कर रही हूँ. वो 37 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया. जी अलॉन्ग विद दैट मेरे हस्बैंड क्योंकि प्रोड्यूसर थे, ही वाज द डायरेक्टर, आई वाज हिज राइटर, एंड बोथ ऑफ अस क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा था तो बड़े इनटू अपने लिए रोल लिखते थे, जी पता नहीं क्या करते थे. एंड वी वर रिकॉग्नाइज्ड आल्सो अलॉन्ग द लाइन. पता नहीं वो भी कैसे हुआ, क्या हुआ. उसके बाद से टेलीविजन में उस टाइम एक ही चैनल था, जी दूरदर्शन, एंड रीच पूरे इंडिया में थी. एंड व्हाट एवर वाज प्रेजेंटेड टू द पीपल दे सॉ इट. जी फॉर्चुनेटली वी गॉट वेरी गुड रिस्पांस फॉर वन ऑफ आवर प्रोग्राम अफसाने. वी गॉट 3 लाख्स ऑफ लेटर्स व्हिच बूस्टेड अस इमेंसली. उसके बाद से 96 में 3 लाख मेरा हैंड रिटन लेटर्स पहुंचे आपके पास, 3 लाख हैंड रिटन लेटर, वो भी क्या दौर था। आम लोगों की कम. जनरल मैनेजर, मैनेजर ऑफ मुंबई महानगर निगम. कौन सा शो था ये जिसके लिए इतना रिस्पॉन्स मिला आपको? इट वाज अफसाने, अफसाने अफसाने, यस. इट वाज ए 10-पार्ट सीरीज. जी हर पार्ट में अलग रीजनल बैकग्राउंड में, कहीं बंगाली, कहीं मराठी, कहीं यूपी जी के बैकग्राउंड में स्टोरीज अलग अलग थी. दो दो तीन तीन एपिसोड्स की. इट वाज लाइक वी वर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ड्रीमी फेज जिसको कहते हैं. जी वी वर एंजॉयिंग इट, वी वर पैशनेट अबाउट इट. पैसा कमाने का कोई दिमाग में ही नहीं था. मजे बस मजे में का कर रहे थे बस। ना पैसे थोड़े से दे देते थे, उसी में हम लगे रहते थे. उस सब में चलते चलते 96 में गुलजार साहब ने पर्सनल फोन किया. उन्होंने हमारे कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, तो माचिस के लिए आई वाज ए प्रोच हुआ. जी करेक्ट। तो जो जनता हमें देख रही है जिन्हें नहीं मालूम, आप तबू के साथ पहले काम कर चुके हैं, हमने माचिस में उनकी मदर का रोल किया था गुलजार जी के लिए, राइट? वही मेरी विशाल जी के साथ मुलाकात हुई थी पहली बार, और उनके एक प्रोग्राम के बारे में मैंने काम किया था. तो दैट्स राइट। या उसके बाद कुछ वेस्टर्न फिल्में थी जिन्हें मुझे काम करने का मौका मिला. एक द गुरु, द प्राइड, एक डेनिस टेनोवस्की की जिसमें हाशमी थे लीड रोल में, द टाइगर्स टाइगर. या एंड देन क्वीन हैपन, देन ओए लकी लकी ओए हैपन. एक एक सीन के रोल थे बट मेरा नाम अखबार में छप जाता था बिकॉज ऑफ माय यूनिक. मे बी वही वॉइस जो रिजेक्ट हुई थी उसी के कारण वो वही लोगों आपकी के यूएसपी बन गई। वही यूएसपी बन गई. एंड देन आई गॉट सम टू टेलीविजन प्रोग्राम्स, इश्कबाज और पीटर जी संडियल. वो जब तनु यहाँ शिफ्ट हो गए, आई वॉज रिटायर्ड. पहले रिटायर नहीं हुए, काम करते रहे वहाँ थिएटर जी डिपार्टमेंट. थिएटर डिपार्टमेंट वॉज माई वर्क प्लेस फॉर लर्निंग. हर साल नए स्टूडेंट्स आते थे, उनके साथ वर्कशॉप करते हुए, काम करते हुए, प्रोडक्शंस करते हुए आई वेंट इनटू, क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी नहीं हुई थी. मैं जी एनएसटी की प्रोडक्शन देखने जाती थी, हर हर वीक जाती थी. नसीर साहब के टाइम से शुरुआत की थी. नसीर, ओमपुरी, सुरेखा जी, उत्तरा जी, इनके प्लेस देखने जाती थी. वहाँ टेक्निकल चीजों की समझ, उनके साथ डिस्कशंस. उनको नहीं पता मैं कौन हूँ. हाँ एज एन ऑडियंस मेंबर आई यूज टू डिस्कस विद देम. थिएटर डिपार्टमेंट में एक तो खुद प्रोडक्शन करते थे, दूसरा एनएसडी से बाकी जगह से एक्सपर्ट्स बुलाते थे. देन वी हैड शंभू मित्रा जी, सुरेश अवस्थी जी, रामगोपाल बजाज, पेरी पेरी जॉन, पेरी
बहुत पॉपुलर, अनामिका हक सर इन लोगों को वर्कशॉप के लिए बुलाती थी, तो इट वाज अ लर्निंग, लॉन्ग लर्निंग पीरियड फॉर मी. अलोंग विद दैट आई यूज्ड टू इवॉल्व माय ओन प्रोग्राम्स जी एंड जी कैप्ट डूइंग इट. एंड देन दिस इज रीसेंट हैज बीन दिस फिल्म जर्नी, एंड नाउ द ओटीटी, ओटीटी में दूसरी कंट्रीज में देखा जा रहा है सब, तो और थ्रिल मिलती है. पर क्योंकि हम ये पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे तो उतना नहीं, बट यस ऑफ कोर्स. 3 लाख हैंड रिटन लेटर्स का जमाना तो गया। अब आपकी फिल्म चाहे ओटीटी पे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, कहीं भी पहुंच जाए, वो जो 3 लाख हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां का जमाना, वो है ही नहीं दुनिया में। नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल. मेरी मुलाकात हुई थी कनू से कैन में, उनकी फिल्म आगरा जो जगह जगह इस वक्त ट्रैवल कर रही है, और आगरा के लिए हम मिले थे, वहाँ बात कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि हमारे देश में अब ऐसी फिल्मों के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, अब हमें खुद ही करना है, कहीं पे लग गए हैं, कहीं पे दरख्वास्त लगा दी है, फेस्टिवल्स में लेकर पहुँच गए हैं फिल्म, जगह जगह लोगों को जा जाकर दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पहले वो सपोर्ट हुआ करता था सिस्टम से, नई तरह की कहानियों के लिए, नई तरह की आवाज़ों के लिए, जैसे आपने दूरदर्शन का पूरा सेटअप आपने करवाया अपने कॉलिग्स के साथ, आपने देखा कैसे चेंज होता है, और अब कनु जो है वो अपनी फिल्मों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए। यस ऑफ कोर्स, पहले कुछ हद तक इट वाज नॉट अ बिग सपोर्ट, इवन आई वोंट से इट, पर कुछ हद तक नेशनल फिल्म डायरेक्टर कॉर्पोरेशन जो है एनएफडीसी, इन लोगों का बड़े फिल्म मेकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म था. थोड़े पैसे मिलते थे उसमें एक अपना फिल्म बना के दे कुड शो इट टू पीपल एंड शो देयर वर्थ आल्सो, तो उनके लिए दरवाजे खुलते थे. बेशक बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं, पर फिर भी देयर वाज अ डोर टू इट. एंड दूरदर्शन आल्सो शोड क्लासिकल एंड आर्ट हाउस फिल्म्स, दे हैड देयर चंक ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स वेयर दे वर शोन, एंड दे आल्सो डिड सीरीज विद एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर्स इन दिस फील्ड, लाइक श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जो बहुत पॉपुलर हुए थे, शंकर नाग, मालगुडी डेज उन्होंने किया था. तो करेक्ट, देर वाज, अब दूरदर्शन में भी वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, टेलीविजन के लिए भी अवेलेबल नहीं है. आप अपने पैसे लगा के, नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ मनी ऑल्सो. एंड फैक्ट इज दिस के दिस मीडियम मीन्स मनी, एवरी मिनट इज मनी व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म. तो वो पैसे जुटाना हर किसी के बस का नहीं है. दो पीपल हैव ट्राइड टू फाइंड डिफरेंट वेज अप्रोचिंग वेस्टर्न गवर्नमेंट, अदर कंट्रीज, और ऑनलाइन फंडिंग, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा सब कुछ किया तो है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फिल्म मेकर, फॉर अ बडिंग फिल्म मेकर नाउ टू कम एंड डू हिज बिट एंड फाइंड हिज वे टूवर्ड्स the further journey of his career. इनफैक्ट उनको पुशबैक ही मिलता है, चाहे कनू की ही फिल्मों की बात करें, तितली हो या आगरा हो, उसको वाइड रिलीज के लिए धक्के ही मारते हैं पीछे की तरफ, इन आगे लाने की जगह। जी बिल्कुल. एंड आई हैव सी, एंड इट इज अ वेरी टफ जर्नी आल्सो, वेरी डिफिकल्ट जर्नी. या देयर फेजेस कम व्हेन यू गो ऑन अ डिप्रेशन, तो नहीं कह सकती, बट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड योर वे आउट टू सर्वाइव इवन. या बट कन्नू इज अ काइंड ऑफ पर्सन हू स्टिक्स टू हिज विजन, यस टूवर्ड्स हिज यस ओन, क्या कहेंगे उसको, दृष्टिकोण उसका जो है, ही हाँ वॉन्ट्स जी, टू डू इट एंड ही विल स्टिक टू इट अंटिल देयर कम्स अ स्टेज दैट ही कांट होल्ड ऑन, बट या आई थिंक दैट विल नॉट कम, एंड यस, आई थिंक ही फाइंड आई होप दिस नॉट, आई होप श्योर. नॉट। अनदर थिंग नवनिंद्र जी, जो ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं, एटलीस्ट मेरी जनरेशन के लोगों को पता नहीं है, आप एक्चुअली में, आपके पास PhD है, आपने कई सालों तक पटियाला यूनिवर्सिटी में सिखाया पढ़ाया, आपने कुछ 10 किताबें लिखी हैं, यू नो ऑफकोर्स ललित जी के बारे में हम जानते हैं, बट आपके फादर साहब थे कपूर सिंह घुमन, बहुत प्रोलिफिक प्ले राइट
पंजाबी थिएटर में, पंजाबी कल्चर में। ऑटोबायोग्राफी आपने लिखी अभी तक, या लिखने का कोई प्लान है, इरादा है? क्योंकि इतनी कहानियां हैं, ऑटोबायोग्राफी पे ये फिल्म बन जाएगी एक पूरी। जी, मैं घबरा जाती हूँ जब भी सोचती हूँ। मुझे कई बार पुश करने की कोशिश भी की गई है, कनु रोज मेरी क्लास लेने की कोशिश करता है कि लिख लो। आपके पास बहुत कहानियां हैं, कर लो। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की थिएटर, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, ओटीटी, इसकी सारी जर्नी जो वही, ये है। पूरी, ये पूरे देश की हिस्ट्री दिखाई देगी आपकी कहानी में, हमारे एंटरटेनमेंट हाँ इंडस्ट्री का पूरा जर्नी दिखाई देगा। जी, लिख हाँ, लीजिए मतलब ना। इट विल नॉट बी ऑटोबायोग्राफी, इट विल बी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री ऑफ दिस मीडियम। इट विल बी एंथ्रोपोलॉजी की किताब, कैसे हमारा देश चेंज हुआ है आपके आपके करियर के साथ साथ। अब आप एक्टिंग में पूरी तरह आ रही हैं वापस, और अभी भी फिर से वापस रिटायरमेंट में जा रही हैं। मतलब अभी हमने अनुराग कश्यप की फिल्म में भी देखा आपको, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, यहाँ पर खुफिया में तो यू वर जस्ट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर सो फनी, यू आर सो फनी, स्पेशली जब आप चिल्लाती हैं वामिका गाबी के कैरेक्टर को देखकर। इट वाज जस्ट हिलेरियस, आपके सीन्स राहुल राम के साथ इतने मजेदार, इतनी हंसी आई देखकर। क्या प्लान है अभी, इरादा है अभी आएंगे प्रॉपरली और करनी है फिल्में? Taking that they come to me. I never do any effort to go and approach people to give me work. And the age is also such, want to relax also, want to enjoy my bit. पूरी जिंदगी बहुत 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 भाग दौड़ की, बट ऑफ कोर्स इफ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कम्स अप व्हिच आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिफ्यूज, आई डेफिनेटली गो। मुक्ति भवन और खुफिया, दोज टू हैव बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई हैव रियली रियली एंजॉयड वर्किंग इन दिस फिल्म। शुभाशीष पुट्यानी और विशाल, दे आर लवेबल डायरेक्टर्स। एंड व्हाट वाज इट लाइक वर्किंग तबू के साथ, अली के साथ, वामिका के साथ? इट वॉज एन इंस्टेंट रैपिड। फर्स्ट रीडिंग में मैं गई थी, मैं बीमार थी, दो कोविड से गुजरी थी। मैं विशाल को दिखाने गई थी कि देखो मेरी हालत ये है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी, आपको तंग करूंगी सेट पे। तो ही ऑल्सो सॉ माई कंडीशन एंड सेज हमें एक दिन दे दीजिए सोचने को। अगले दिन सुबह 10 बजे फोन आ गया, करते हैं नवनीता जी, देखी जाएगी जो होगा। तो मैं रीडिंग पे जब पहुंची, तो जब मेरा डायलॉग मैं बोलती थी, सब हंसने लग जाते थे। आई सॉ आई फाउंड इट सो एम्बेरसिंग, मुझे लगा मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे दैट रैपो इंस्टेंट हो गया, जी इंस्टेंट। हमें पता ही नहीं चला कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसे लगता था। हाँ, वामिका को मैं जानती थी, उसके फादर के साथ काफी जान पहचान है वामिका को, जब से काम शुरू किया उससे पहले से। व्हेन आई वेंट ऑन द सेट, शी केम टू मी से, मैम आपको जानती हूँ, मैं आपको पता नहीं है। देन आई केम टू नो, अच्छा उनकी बेटी है। तो सो स्वीट। तब्बू के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ था। अली बिकॉज ऑफ रिचा इज आवर क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, बिकॉज ऑफ हिम अली के साथ दोस्ती थी। तो फॉर मी इट वॉज होम। विशाल के साथ ऑलरेडी 26 27 27 साल पहले मिल चुके थे, उनके उनके प्रोग्राम में काम कर चुकी थी, गुब्बारे गुब्बारे, में जी। तो इट वॉज फन वर्किंग विद देम, एंड दे ऑल आर सच फैंटास्टिक फैंटास्टिक एक्टर्स। फॉर जी मी इट वॉज लाइक आई वॉज लकी टू बी वर्किंग विद देम। जी अभी आपने कहा 2 मिनट पहले कि अब आपको कोई स्क्रिप्ट आएगी तो आप उसमें करेंगे, जो आपको लगता नहीं है आजकल इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं या आ रही हैं आपके पास, देखते हैं कुछ आएगा तो। आजकल के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की जो फिल्में बन रही हैं और जिस तरह का टेलीविजन बन रहा है, जिस तरह की चीज़ें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही है, वो फायर है अभी भी अंदर जो उस जमाने में होती थी 80s में, जब आप थिएटर भी कर रही थी और पढ़ा भी रही थी और दूरदर्शन भी कर रही थी, वो फायर है, वो आग है, वो डिज़ायर है? आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट जर्नी के दौर से गुजर रहा है मूवी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी मीडियम्स, फिल्म है, ओटीटी है, टेलीविजन है, थिएटर तो ऑलमोस्ट फैशनेबल फॉर्म में, स्टेज परफॉर्मेंसेस, एलीट स्टेज परफॉर्मेंसेस की फॉर्म में बचा है। बाकी
मासीज का थिएटर तो है नहीं है, तो जो नए प्लेटफॉर्म्स होती थी जैसे, और फिल्में हैं जो नई तरह की फिल्में, ऑफकोर्स देयर हैज बीन होप, ये नहीं कहूंगी कि नहीं है कुछ, क्योंकि अच्छा काम भी हो रहा है और बहुत अच्छा काम जी हो रहा है, उसी में खुफिया हो रहा है, उसी में मुक्ति भवन हो रहा था, उसी में नए फिल्म मेकर्स कनु के और कनु की जनरेशन के जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े बजट में फिल्म बना रहे हैं, बट जनरली देखा जाए तो मनी प्रिवेल्स। ओटीटी पे भी वी आर वर्किंग फॉर मनी, फिल्म में भी वी आर वर्किंग फॉर मनी, एंड या दैट हैज डोमिनेटेड द सीन। थोड़े थोड़े फिल्म मेकर्स के काम करने से अभी जैसे बहुत अच्छे प्रोग्राम ओटीटी पे भी देखने को मिलते हैं, पर जी उनकी गिनती ज्यादा नहीं, जी और जो प्लेटफॉर्म्स खुद उनके मालिक हैं, उनके काम करने वाले लोग हैं, वो उनके पास भी एक सेट फॉर्मूला है कि इसमें बनाइए, क्राइम है या इस तरह के और पॉलिटिक्स है, वो ऐसा लगता है आप एक देख रहे हैं तो आप सारे देख रहे हैं प्रोग्राम, कई बार जी एक्टर्स भी रिपीट हो रहे हैं। मेरे रोल के लिए भी प्रेशर था कि किसी स्टार को लिया जाए, तो एक्टर्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि स्टार्स ओटीटी पे भी चलते हैं, तो करेक्ट करेक्ट। ऑल दीज थिंग्स। मेरा एक कैच फ्रेज है नवनिंद्र जी, आप पता नहीं कनु को शायद मालूम हो कि मैं जब भी कोई फीमेल फिल्म मेकर कहानी कहती है तो मैं सेलिब्रेट करती हूँ उसको, आई से विमेन टेलिंग विमेन स्टोरीज, बिकॉज औरतें को नहीं मौका मिलता है बड़े पर्दे पे छोटे पर्दे पर औरतों की कहानी कहने का, बट यू वर वन ऑफ दोज वुमेन प्रोलिफिक, मतलब यू हैव रिटन एंड डायरेक्टेड सो मच बैक इन द डे। डू यू सी दैट नाउ फीमेल फिल्म मेकर्स को मौका ज़्यादा मिल रहा है, या जितना था आपके ज़माने में अभी तक वैसा ही है और कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है? इनफैक्ट इस मीडियम में, फिल्म और ओटीटी के मीडियम में या टेलीविजन के मीडियम में, आई थिंक विमेन को ज्यादा मौका मिलता है, पहले उतना नहीं था, पहले जबरदस्ती हम लोग घुस घुस जाते जाते थे। थे, हाँ जिद, हमारी जिद हमको ले जाती थी, कर लेते थे, फ्रॉम द कॉमन पीपल उस तरह की विमेन नहीं निकल के आती थी, हम जैसे जो प्रिविलेज थे थोड़े, जिनके घर में थिएटर हो रहा था और प्ले राइट्स और डायरेक्टर्स, हरपाल की वाना थे, उनकी वाइफ नीना की वाना थी, एनएसडी से थी, उस जैसे लोगों को, लोगों मौका निकाल लेते थे, ढूंढ लेते थे, पर आमतौर पे वो मौके नहीं थे, अब ज्यादा है। मुझे लगता है ये ट्रांजिशन का पीरियड है, इसमें और ज्यादा विमेन आए, अभी जोया अख्तर है या और गिनी चुनी है, मतलब एक हाथ पे गिन सकते हैं जितनी प्रोलिफिक, मतलब जिनको ज्यादा मौके मिल रहे हैं और जो ज्यादा भिड़ी हुई हैं समाज से और पूरी इंडस्ट्री से, हाथ एक हाथ पर गिन बिल्कुल सकते हैं। तो जी अभी भी जी बहुत बहुत लंबा रास्ता है आगे जाने के लिए, पर नवनिंद्र जी इट्स सच अ जॉय टू टॉक टू यू। आई एम मैं बिल्कुल आपके बेटे कनु बहल की तरफ हूँ। आप प्लीज़ किताब लिखें ऑटोबायोग्राफी के साथ साथ, हमारे को एक हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी पंजाबी थिएटर से लेकर नेटफ्लिक्स तक, थिएटर से लेकर नेटफ्लिक्स तक। टाइटल भी रेडी है। थैंक यू सो मच आज मुझसे बात करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस खुफिया के बारे में, जो दुनिया भर में लोग पिक्चर देख रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच चारिता, इट्स रियल प्लेजर टू टॉक थैंक यू नवनिंद्र जी, बाय।